को भाषण देना चाहिए, किसी कौम विशेष का नहीं है, देश की बच्ची थी, देश की बच्ची के साथ न्याय होने होना है। इसलिए हम आज कैंडल मार्च के लिए निकले हजारीबाग के अंदर, कि हम पूरा देशव्यापी इसका आंदोलन करने के लिए हम दरकार रहे लोगों को। इस तरह से नामनी के मुद्दे पर आप लोगों ने, सब लोगों ने, देश के लोग निकले, आज इस असीफा के मुद्दे पर भी सारे लोग निकले, अभी देश बचेगा और बलात्कारी मुक्त बलात्कारी को फांसी होना चाहिए और क्या। हजारीबाग के नौजवानों की तरफ से आज जो ये जुलूस आप देख रहे हैं, जुलूस की शक्ल में लोग जो शामिल हुए हैं, चाहे वो बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, ये एक पैगाम है हुकूमत को कि नौजवान इस देश में अब जाग चुका है और इस तरीके का शैतानी काम कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जघन्य अपराध किया गया एक बच्ची के साथ में, वो अभी अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 7 साल पूरी की है, हमारी बच्ची को कोई रात में मार दे थप्पड़, हम रात भर सो नहीं पाते हैं। सोचिए मरते वक्त अगर उसने अपने माँ बाप को याद किया होता, खुदा को याद किया होता, क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पे, क्या बीता होगा उसके घर वालों पे, क्या वो हम सबकी बच्ची नहीं थी। आज क्यों उसके साथ भेदभाव किया जा रहा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। वो हिंदुस्तान की बच्ची पहले थी, बाद में मुसलमान की बच्ची थी, और हम सब भी आज जो यहाँ मौजूद है वो पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। तो एज ए कौम, एज ए हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी को इस बात पे विरोध करना चाहिए, चाहे वो कठुआ का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, सूरत का मामला हो, या सासाराम का मामला हो, हर मामले में हजारीबाग के नौजवान अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। और हुकूमत कान खोल के सुन ले कि जब 3 तलाक पे बैन लग सकता है तो इन बलात्कारियों पे बैन क्यों नहीं लग सकता। क्या 56 इंच का सीना सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ कानून बनाने के लिए है? क्या कानून इतना पंगू हो चुका है? क्या हमारा संविधान इतना कमजोर हो चुका है? क्या हमारा न्यायपालिका इतना कमजोर हो चुका है? हम पाकिस्तान को हर बात पे पोछते हैं, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, मगर इसी रेप केस में, जैनब के रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 1 महीने के अंदर दोषियों को भी चौराहे पे फांसी पे टांग दिया। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए, अगर रेप के आरोपियों के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है तो बीच चौराहे पे उनको ला करके फांसी दे दी जाए। मैं दावा करता हूँ कि आगे से ऐसी कोई अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि हर बलात्कारी को बलात्कार का आरोप साबित होने पे बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए। और जो मानव अधिकार का रोना रोते हैं, अरे वो तो 25 साल 30 साल 65 साल के बूढ़े तक उसमें शामिल थे, उस बच्ची का क्या कसूर उसमें जो अभी अपनी जिंदगी का सिर्फ 7 साल बिताई थी। उसको तो अच्छे से अपने माँ बाप अच्छाई बुराई में फर्क नहीं पता। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और उससे बड़े भी अपराधी वो है जो हाथ में तिरंगा लेकर के उन आरोपियों को बचाने के लिए सड़कों पर निकले हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। सबसे पहले इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, बाद में इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, और वो वकील जो इनके बचाव में निकले हैं उनके बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची पूरे हिंदुस्तान की बच्ची है, वो किसी मुसलमान की बच्ची नहीं है। हम सब पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू मुसलमान है। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। जिंदाबाद।